ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो थोड़े नाल अज दे इस शुभ मौके दे उत्ते जिथे सतगुरां दे प्रथाए थानू मुबारकबाद देणगे उत्थे थोड़े नाल गुरमतियां विचारां भी वो सांझियां करनगे। निम्रता सहित बेनती करूँगा सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार साहबान उन्हां तों बाद सिंह साहब जी ने बोलना ते बीबी जी ने सारी संगत का धन्यवाद। उस तों बाद बुक्स आपां किताबां कुछ रिलीज करनियां सो मैं बार बार बेनती कर रहा सी रिलीज करके फिर जाना। आओ एक जकारा गजाइए थोड़ा जिहा सावधान भी होइए। बोले सो निहाल श्री अकाल सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सतसंगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज समुचा गुरु खालसा पंथ गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई दे विच दीन दुनिया दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साल प्रकाश पुरब शताब्दी रूप दे विच मना रहा है। मैं समुचे गुरु खालसा पंथ नू जिहड़े देशां विदेशां दे विच नानक नाम लेवा सिख संगत टीवी माध्यम दे राहीं इस समागम दा प्रसारण देख रही है सारियां नू श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे प्रकाश पुरब दी बहुत बहुत बधाई देना। जिवें मेरे तो पहला बाबा निहाल सिंह जी ने जिक्र किया है कि जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया अमृत वेले मीरी पीरी दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे सुशोभित से जदों आ के सेवक ने पातशाह जी नूं यह खबर दिती है महाराज घर दे विच पुत्र का प्रकाश होया मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने एक नमन किया एक नमस्कार की। संगत बड़ी हैरान है पूछया महाराज नू महाराज पहलों भी पुत्र होए ने अज तुसी खबर सुनी है पुत्र दे प्रकाश दी ते नमन किया नमस्कार की। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह कहन लगे ये पुत्र गुरु भी होएगा ते अपने दादा जी वांग शहीद भी होएगा दो महान पदवियां गुरु पदवी ते शहीद दा रुतबा इस पुत्र नू नसीब होएगा इस करके नमन दे लायक है सिजदा दे लायक है। अज असी उस महान सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हैं और असी देख रहे हैं कि महामारी जिहड़ी है वह फैली हुई है। महामारी के मद्देनज़र सरकार वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी वर्चुअल समागम करन वास्ते कहा गया सी और वर्चुअल समागमां दा प्रबंध जिहड़ा वह किया गया सी गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे वड्डी गिणती च संगत होई हाजर होई है। सवेरे पुछिया मीडिया वालिया ने कि वड्डी गिणती च संगत हाजर होई है तो मैं उन्हां नूं जवाब दिता सी कि महामारी दे भय दे नालों ज़्यादा संगत दे मन दे विच गुरु दा प्यार है ते जिस संगत दे मन दे विच
बीमारी के पह नालों गुरु का प्यार ज़्यादा वड्डा है, उत्थे असी किसे नू रोक नहीं सकते, ना रोकिया जा सकता। ताड़ा इत्थे हाजर होना इस गल नू साबित करता है कि ताड़े मनां दे विच गुरु का प्यार है। जिन्हां सिखां दे मनां दे विच गुरु का प्यार है, वह सिख गुरु के दीदार करन वास्ते पहुंचिया करदे ने। महाराज कहिंदे झखड़ झागी मीह वरसा, भावें झखड़ आ जाए, हनेरी आ जाए, मीह आ जाए, इतों तक पातशाह कहिंदे पाला कक्कर बर्फ वरसा, गुरसिख लंघ गुर पह जाई। गुरु का सिख गुरु के प्यार का सदका ये सारिया दुशवारियां मुसीबतां पार करके गुरु के दीदार करन वास्ते जाया करदा है, जांदा है। और जिस का सबूत है तुसी अज वड्डी गिणती दे विच इत्थे हाजरियां लवाईयां ने। सारिया संप्रदावां दे जथेबंदियां दे प्रतिनिध मुखी साहबान ने हाजरियां लवाईया ने। मैं आप सारी संगत का और जिन्हिया भी गुरु खालसा पंथ दियां नामावर संप्रदावां सिख जथेबंदियां दे प्रतिनिध मुखी साहबान बैठे ने, मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी, समुची टीम का धन्यवाद करदा, जिन्हां ने सारे ही प्रोग्रामां दा जिहड़ा इंतजाम है वह आला दर्जे का किया। अज जरूरत किस चीज़ की है? करोना महामारी के कारण असी खबरां पढ़ रहे हैं, टैलीविजन देख रहे हैं, सोशल मीडिया से असी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि मौतां हो रही ने, ते जेड़े बच रहे ने वो आर्थिक तौर दे उत्ते कंगाल हो रहे हैं। 50,000 तो लैके लख रुपया रोज़ तक उन्हां मरीजां दा खर्च हो रहा है जिहड़े इस महामारी कारण हस्पतालां दे विच ने। और मीडिया वालों कुछ तत्वों वालों इस बीमारी का जिहड़ा है वह भय जिहड़ा है होर ज़्यादा पैदा किया जा रहा है। भय के कारण बीमारी जिहड़ी है वह घट, ते बीमारी के भय कारण जिहड़ा वह मौतों की गिणती जिहड़ी है वह ज़्यादा हो रही है। असी जो चंगे भले शमशान घोट घाट कोल दी गुजरीए ना, जिन्हां दे मनां दे विच विश्वास हुंदा है भी शमशान घाटां दे विच भूतां प्रेतां दे पहरे हुंदे आ, उहनां नूं पता लग जे असीं शमशान घाट कोल दी गुजर रहे हैं, जागे शमशान घाट है, तो दिल की धड़कन वध जांदी है। भय जिहड़ा ना भय ये साडी मानसिकता नूं चोट पहुँचाउंदा है, तो भय कारण बीमारी ना भी होवे तो पैदा हो जाती है। इहो ही असीं बार बार जिहड़ा कहा है कि लापरवाही जिहड़ी है वह सिख ने नहीं वरतनी, लेकिन बेपरवाह जिहड़ा है वह सिख ने जरूर रहना है। बेपरवाही जिहड़ी है वह जिंदा रखती है, लापरवाही जिहड़ी है वह सानू मारती है। अज जरूरत है कि असी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का 400 साल प्रकाश पुरब महामारी के इस दौर दे विच मना रहे हैं। एक असी ऐसा हस्पताल श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के नाम के उत्ते बनाईए जिथे भेटा रहत जिहड़ा है वह इलाज होवे। पर ऐसा हस्पताल बनाउणा एक दो तीन संस्थावां दे वस दी गल नहीं है, बना देना हस्पताल बहुत सौखा है, लेकिन भेटा रहत उस हस्पताल नूं चलदा रखना जिहड़ा है ये बहुत औखा है। साध संगत जी, यह समुची कौम मिल के बना सकती है। तो श्री अकाल तख्त साहब नूं देशां विदेशां दे विच वसदे हिंदुस्तान दे विच वसदे नामावर सिख संस्थावां दा और नामावर विद्वान सिखां दा हमेशा जिहड़ा है वह सुझावां दा इस मकसद दे लई इंतजार रहेगा। दूसरी जिहड़ी असी ये अपील करना चाहते हैं पंजे तखत साहबान वालों, अज इस महान प्रकाश पुरब के मौके के उत्ते अज ज़्यादातर मौतां जिहड़ियां ने वह हस्पतालां दे विच ऑक्सीजन की कमी कारण हो रही ने। वैसे तो सारियां मौतों की जिम्मेवारी जिहड़ी है ये भारत सरकार नूं कबूल लेनी चाहिए है कि इन्हां मौतों की जिम्मेवार भारत सरकार है, असी प्रबंध नहीं कर सके ऑक्सीजन का। पर असी एक काम कर सकते हैं साध संगत जी, जिन्हें असी हिंदुस्तान के बछिंदे है, पंजाब के बछिंदे हाँ, पिपल सब तो वध ऑक्सीजन पैदा करता है। असी इस स्टेज तो समुचे सिख जगत नूं अपील करते हैं, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां नूं अपील करते हैं और सिख संस्थावां नूं हर सिख नूं अपील करते हैं कि एक पिपल का रुख जिहड़ा है अपनी जिंदगी दे विच सिख जिहड़ा जरूर लावे, क्योंकि पिपल सब तो वध ऑक्सीजन जिहड़ा है वह पैदा करता है। इस करके एक सिख
एक पिपल का रुख जिहड़ा अपने पिंडां कस्बियां शहरां दे विच जरूर लावे। मेरे तो पहला बाबा हरनाम सिंह जी ने संबोधन किया, उन्होंने भी जिक्र किया कि गुरु साहिबान ने अपनी हयाती दे विच सिखां नूं रुख लाउण दा उपदेश दिता सी, जबकि उस वेले धरती दे उत्ते सैकड़े किलोमीटर लंबे जंगल मौजूद सन। देखो किड्डी कमाल दी गल है, उन्हां वेलियां दे विच सैकड़े किलोमीटर लंघे जिहड़े जंगल सन ओह हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते मौजूद सन, इहदे बावजूद गुरु साहिबान ने रुख लाउण दा उपदेश दिता। उन्हां वेलियां दे विच दरिया जिहड़े आ अजकल वांग नालियां दी तरह नहीं वगदे सी, बल्कि पूरे वगदे हुंदे सी, पर फिर भी गुरु साहिबान ने जल की महत्ता तो जाणू करवाउण दे लई सरोवर बौलियां ते खूहां दा जिहड़ा है वह निर्माण करवाया, और ताकि सिख संगतां नूं जिहड़ा है वह शुद्ध जल भी मिले ते सिख संगतां दे अंदरों जाति भेद भाव जिहड़ा है यह भी जिहड़ा है वह मिटे। देखो किड्डी दीर्घ किड्डी वड्डी सोच सी साडे गुरु साहिबान दी। अज असीं धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दा 400 साल प्रकाश पुरब मना रहे हैं, और ये प्रकाश पुरब असी सारा साल मना, हर संस्था हर सिख सारा साल ही जिहड़ा है इस महान शताब्दी पुरब नूं समर्पित अपने अपने पद्धर दे उत्ते समागम सैमीनार वैबीनार होर जिहड़े कोई समाज सेवी कारज है इस महान प्रकाश पुरब नूं समर्पित जरूर करे। बहुत सारे साडे जिहड़े किसान है दिल्ली दे विच बैठे है, जदों ऐसे महान पुरब आउंदे है ना तो कई बार सरकारां जिहड़ियां वो बंदी रिहा कर दिंदियां हुंदियां भी अज भाई खुशियां दा पुरब है चलो इन्ने बंदी रिहा जिहड़े आ उह कीते जाण, ते सरकार नूं भी जिहड़ा है इस पासे भी जिहड़ा है वह किसानी मसलां दे हल लई भी जिहड़ा है वह जरूर सोचना चाहीदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे इस महान शताब्दी साल के दौरान वह सारे जिहड़े आ अपने अपने घरां नूं आउण, सरकार नूं जिहड़ा है वह खुल दिली दे नाल फैसला जिहड़ा है उन्हां दे हक दे विच करके उन्हां नूं घरे घरे जाण वास्ते जिहड़ा है वह राह पदरा करना चाहीदा है। मैं सारी संगत दा एक बारी फिर बहुत धन्नवाद करदा, सारियां संपर्दावां दे मुखी साहिबान दा धन्नवाद करदा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समुचे मैंबर साहिबान प्रधान जी सारे सकत्तर साहिबान और सारा ही स्टाफ प्रचारक साहिबान जिन्हां ने तनदेही दे नाल इस शताब्दी नूं सफल करन वास्ते दिन रात एक कीता, मैं सभनां दा धन्नवाद करदा। एक बारी फिर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत बधाई देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो सिंह साहब नूं सन्मानित किया जा रहा, बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्नवाद सिंह साहब जी ने तुहाडे नाल बहुत एक अहम जिहड़ा मौजूदा समय का एक सबजैक्ट है वह साझा किया।